आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल मेक बफर से। मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति इस वक्त लेकर आई हूं आपके लिए बड़ी खबर। इस वक्त महाराष्ट्र को लेकर, महाराष्ट्र में अगले साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इससे पहले महाराष्ट्र में राजनीति किस ओर बढ़ रही है आप सब जानते हैं। बीजेपी से एनसीपी की नजदीकियां बढ़ रही है ये कहा जा रहा था और शिवसेना के नेता ने कहा एनसीपी और कांग्रेस पार्टी ही है दुश्मन शिवसेना का। असल में तो क्या शिवसेना विरोधी बन चुके हैं शरद पवार? क्या शिवसेना से सीएम बनाना उद्धव ठाकरे को शरद पवार की भूल थी? शिवसेना का दामन थामना क्या एनसीपी की भूल थी? अजीत पवार की बात कर लीजिए जो कांग्रेस पर निशाने साधते नजर आए। कांग्रेस के तमाम ऐसे समर्थक थे महाराष्ट्र में जिन्होंने सोनिया गांधी कांग्रेस की हाई कमान के पास एनसीपी के खिलाफ शिकायत भी पहुंचाई। ऐसे में एनसीपी और कांग्रेस की खींचातान की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ एनसीपी बढ़ती नजर आई ये बताया जा रहा था। लेकिन शरद पवार जो कि अब जो है आवाज उठा रहे हैं उनके लिए असदुद्दीन ओवैसी ने भी आवाज उठाई, उनके खिलाफ आवाज उठाई शिवसेना और एनसीपी के खिलाफ, जिसके बाद शरद पवार ने नफरत की राजनीति करने वालों के खिलाफ आवाज उठाई। बताया उन्होंने देश भर में आवाज वो उठाई जाएगी, वो चुप नहीं रहेंगे। तो सवाल ये खड़ा होता है क्या बीजेपी की उन्होंने पक्ष में आवाज उठाई है? क्या उन्होंने बीजेपी के पक्ष में या फिर बीजेपी के खिलाफ में आवाज उठाई है? क्योंकि देश भर में नफरत की राजनीति को लेकर आवाज शरद पवार की पहले भी उठ चुकी है। महंगाई मामले पर बीजेपी को पहले भी शरद पवार अपने निशाने पर ले चुके हैं। राज ठाकरे के खिलाफ शरद पवार की आवाज उठ चुकी है। अगर आपने याद किया हो जब लाउडस्पीकर विवाद पर आवाज उठाई थी राज ठाकरे ने, जवाब उल्टा शिवसेना और एनसीपी की तरफ से आया था संजय रावत शरद पवार का। बताया था शरद पवार ने कि उन्हें अगर इतनी ही चिंता है तो महंगाई मुद्दे पर आवाज उठाए। केंद्र सरकार के खिलाफ क्या शरद पवार की आवाज है या फिर असदुद्दीन ओवैसी को उल्टा जवाब मिला है शरद पवार का? क्या मोदी अमित शाह के आगे शरद पवार झुक गए हैं? तमाम मामले ऐसे हैं जिस पर जिक्र करना बहुत जरूरी है। तो शरद पवार के स्टेटमेंट, शरद पवार के प्लान, एनसीपी का फैसला क्या होगा? क्या शिवसेना के साथ एनसीपी आगे भी कदम बढ़ाएगी और क्या एनसीपी शिवसेना के साथ कांग्रेस का रास्ता क्या आगे 2023 तक साफ है या फिर बीजेपी अपना रास्ता एनसीपी के साथ मिलकर बनाएगी? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के रिश्ते भी काफी गहरे रहे। महाराष्ट्र की राजनीति बहुत ही ज्यादा उलझी हुई है जिसमें शरद का अगला कदम कई बातों की तरफ इशारे करने वाला है। तो आपका समय व्यर्थ किए बिना सीधा हम आपको शरद पवार के उन सभी स्टेटमेंट रूबरू कराएंगे। खुलकर उन्होंने कैसे दहाड़ी है जानिए खास रिपोर्ट में। नवाब मलिक के बहाने जिस शरद पवार पर जमकर बरसे थे शरद पवार, मुगलों के बाद ही बीजेपी आरएसएस कहा था असदुद्दीन ओवैसी ने, कहा था कि सब एक ही थाली के चट्टे बटते हैं। लेकिन शरद पवार पर जो इल्जाम शिवसेना ने भी लगाया है कि दुश्मन असल में बीजेपी नहीं बल्कि एनसीपी है शिवसेना की, सीएम उद्धव ठाकरे को अगर अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है 2023 में महाराष्ट्र चुनाव के वक्त मुश्किलों से वो घिरते हैं, उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है, तो सिर्फ और सिर्फ शरद पवार की वजह से ये हो पाएगा। ऐसा तो उन पर इल्जाम लगा था। लेकिन आप जान लीजिए कि शरद पवार का क्या आखिर ऐसा स्टेटमेंट था जिसके बाद इस तरह के इल्जाम लगने पर शरद पवार जो है काफी भड़के हैं। जरूर हम आपको यहां पर डिटेल में इस बारे में बताना चाहेंगे शरद पवार के स्टेटमेंट क्या कहते हैं, आपको डिटेल में ये जरूर सुनाना चाहेंगे। चलिए आप जान लीजिए कि शरद पवार के स्टेटमेंट क्या है। जी हाँ, बीजेपी आरएसएस पर भड़कने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने शरद पवार पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया था। इस बीच सीबीआई जांच की मांग हो चुकी है महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब पर। शिवसेना सरकार के चार मंत्रियों में एक एनसीपी के भी नेता है और शिवसेना सरकार के चार ऐसे मंत्री हैं जिन पर ईडी ने कार्रवाई का फैसला लिया। भ्रष्टाचार को लेकर अन्ना हजारे पहले भी शिवसेना सरकार पर निशाने साध चुकी, उन्होंने धमकी भी दी है आंदोलन होगा अगर लोकायुक्त कानून महाराष्ट्र में नहीं लेकर आए उद्धव ठाकरे, क्योंकि दो साल से वो इस कानून को लाने का वादा कर रहे हैं। नवनीत राणा ने भी
शनिवार को ये कहा ही था कि महाराष्ट्र से शनि को जाना चाहिए, यानी कि सीएम उद्धव ठाकरे पर उनका निशाना था। अब यहाँ पर जब शरद पवार की बात हो रही है तो जरा सुन लीजिए कि शरद पवार की बात क्यों हो रही, क्योंकि शरद पवार ने कहा देश भर में राजनीति में नफरत फैलाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। शरद पवार ने बीजेपी की तरफ इशारे किए या फिर शिवसेना की तरफ, इस पर भी बात होगी कि आखिर शरद पवार की ये धमकी किसके लिए थी, क्यों थी। तो जरा आप जान लीजिए शरद पवार की इन धमकियों के बारे में, हम आपको जरूर बताना चाहेंगे। दरअसल आपको ये बताना चाहेंगे कि शरद पवार अपना गुस्सा लगातार जाहिर करते नजर आए हैं, वक्त वक्त पर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कोई गुस्सा जाहिर करने का मौका दे। ऐसे में आपको ये बता दे शरद पवार ने निशाना बहुत ही हैरान कर देने वाले अंदाज में उठाया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मंदिर के अंदर न जाने पर जो विवाद हुआ है, इस पर आपको बताना चाहेंगे कि जवाब देना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, शरद पवार ने जमकर आवाज़ उठाई। और देखा जाए तो शरद पवार ने क्या कहा था, ज़रा आप सुन लीजिए। और उन्होंने कहा था इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी, सीधी धमकी शरद पवार की। आपको बता दें एनसीपी नेता शरद पवार ने नॉनवेज खाने के चलते पवार ने बाहर से दगदू शेठ गणपति के दर्शन किए, ये जब सवाल खड़ा हुआ उन पर तो फिर वो मुसीबत से तो घिरे ही। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार ने गणपति मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पुणे पहुंचने का फैसला लिया था, लेकिन सब हैरान रह गए क्योंकि वो पूजा करते नजर नहीं आए, जिसके बाद ये विवाद बढ़ता ही चला गया। और नॉनवेज उन्होंने खाया था इसलिए वो नहीं गए अंदर मंदिर में। ये जब बात सामने आई तो आपको ये बता दे शरद पवार ने मंदिर जाने की योजना बनाई थी लेकिन वो नहीं जा सके, तो लोग काफ़ी हैरान हुए। उप मुख्यमंत्री अजित पवार से भी इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ऐसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, अगर वह दर्शन करने जाते तो सवाल पूछे जाते, अगर नहीं करते हैं तो नास्तिक बताया जाता है। लोगों की ऐसी सोच बहुत अजीब बात है। विपक्ष को जवाब देना चाहते हैं शरद पवार, सवाल ये तो धार्मिक आस्था को लेकर पिछले विपक्ष कुछ दिनों से लगातार उन पर हमला बोल रहे हैं। शरद पवार ने ब्राह्मण विरोधी होने के आरोप भी लगाए जाने पर अपनी आवाज बुलंद कर दी। उन्होंने कहा कि आवाज पूरे देश भर में उठाई जाएगी। ब्राह्मण समुदाय के कई प्रतिनिधियों के साथ हाल ही में बैठक शरद पवार ने की थी ताकि समुदाय की नाराजगी को दूर किया जा सके। इस कड़ी में मंदिर में पवार के जाने को लेकर सवाल खड़े हुए, विपक्ष को वो जवाब देना चाहते हैं। विपक्ष में सीएम उद्धव ठाकरे नहीं, बीजेपी विपक्ष हो सकती है। बिल्कुल शरद पवार को लेकर जब यहाँ पर बात हो रही है तो आपको बता दें शरद पवार ने ये बात भी कहा, धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश, पूरे देश भर में आवाज उठाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है, अगर आप ट्वीट पढ़ रहे हो तो आप देख ही सकते हैं, एक लंबा चौड़ा प्लान शरद पवार का अब सामने आ गया है जिस पर लोगों ने आवाज भी उठाई है, लोगों के रिएक्शन भी सामने आए हैं। शरद पवार ने ये कहा कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निवेदन युवा कार्यकर्ताओं ने दिया, धार्मिक जातीय ध्रुवीकरण लोकतंत्र के हानिकारक है, इस विरोधी में खड़े होने वाले युवा हमें हमारे युवकों का हौसला बढ़ाने के लिए इस निमंत्रण को मैं स्वीकार करता हूं। तो यहां पर आप देखिए हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई समुदाय के लोगों ने शरद पवार से मिलकर हस्तलिखित पत्र दिया और इस पर बड़ी लड़ाई को लेकर बड़ी चुनौती शरद पवार की सामने आ गई। धीरज शर्मा ने भी हाल ही में कहा केंद्र में सत्तारूढ़ दल समाज के बीच खाई पैदा कर रहा है, युवाओं से उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, दिल्ली में युवा अधिकार और सामाजिक एकता के लिए विशाल सम्मेलन आयोजित करेगी, इसके अलावा पूरे देश में सम्मेलन किया जाएगा। तो शरद पवार की ये तैयारियां बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ है।